भिलाई में आइसक्रीम के कंपैरिजन में बताऊँ ना, तो बहुत सारे जगह आप लोगों को आइसक्रीम ट्राई करने को मिलता है, पर यहाँ थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये नेचुरल फ्रेश है, तो नेचुरली फ्रेश आइसक्रीम आप लोगों को टेस्ट करने को मिलता है। मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ और यहाँ का स्पेशलिटी भी वही है, प्लस मुंबई की फ्रेंचाइजी होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को फालूदा का ऑप्शन अवेलेबल होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ भिलाई के नेहरू नगर एरिया में और यहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम। नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम आने का कारण इसीलिए है, आइसक्रीम तो हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया पर नेचुरल फ्रूट्स के आइसक्रीम अभी तक ट्राई नहीं हुए हैं और बहुत ही अच्छे खासे फ्लेवर में इसको ट्राई करना बनता है यहाँ पे, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इसका क्योंकि मुंबई की ये फ्रेंचाइजी है और बहुत ही अच्छा आइसक्रीम ये सर्व करते हैं ना अपने आप में, जो कि अपना नेचुरल फ्रूट्स के रहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी कुछ वेरायटी रहेगी यहाँ आइसक्रीम की, और एक अच्छा खासा आइसक्रीम रिव्यू देता हूँ आप लोगों को जिससे कि आप लोग भी अपने फैमिली के साथ आ सको। और दोस्तों के साथ आने के लिए तो बहुत ही बढ़िया मौसम है इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना भाई, तो आइसक्रीम और जितने भी जूस होते हैं ये सब का ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है अपने को गर्मी में। चलिए दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है ये लोकेशन, और भिलाई में एक लौती ब्रांच है नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम और यहाँ आना बनता है आप लोगों का। चलिए अंदर चलते हैं, पूरा ओवरऑल लुक लेते हैं यहाँ का। हाँ जी, तो देख सकते हो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम, जो कि मुंबई की फ्रेंचाइजी है जहाँ पे आप लोगों को आइसक्रीम शेक्स फालूदा संडेस अवेलेबल करा दिया जाता है। प्रॉपर एड्रेस की बात करूँ तो आप लोगों को ये नेहरू नगर एरिया विशाल मेगा मार्ट जो है ना उसके जस्ट फ्रंट साइड पर या फिर बोल सकते हो अपोजिट साइड में आप लोगों को दिख जाएगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के आइसक्रीम में क्या कुछ खास रहता है। इससे पहले मैं जो ट्राई किया था आइसक्रीम वो अपना नेचुरल फ्रेश रायपुर में ट्राई किया था, अब यहाँ पर इकलौती ब्रांच जो भिलाई में अवेलेबल है ना वहाँ ट्राई करते हैं कि टेस्ट कैसा मिलता है अपने को। कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंटीरियर मिल जाता है नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम में, जहाँ पे दोस्तों और फैमिली के साथ बैठने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 10 से 30 बंदे बैठ के यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के ओनर या फिर बोल सकते हो मैनेजर से बात करते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है अपने लिए यहाँ पे, और बाकी आइसक्रीम पार्लर के कंपेरिजन में हमें क्या अलग टेस्ट करने को मिलेगा इस आइसक्रीम पार्लर में। सबसे पहले तो भैया आपका नाम बताइए। शुभम मिश्रा। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बताइए ना क्या कुछ खास रहने वाला है नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम में भिलाई वाले लोगों के लिए। भिलाई वालों लोगों के लिए नेचुरल में आपको अदर नेचुरल के हिसाब से यहाँ पे आपको मुंबई का फालूदा भी मिल जाएगा और संडेस भी मिल जाएंगे खाने के। मुंबई के फालूदा फेमस है ना जी। और पहले रायपुर में खुला था कि अपने भिलाई में? पहले रायपुर में खुला था। पहले रायपुर में खुला था, उसको देख के आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है और कुछ स्वाद पसंद आया होगा, कुछ अलग टेस्ट होगा, तभी आप लोगों ने भिलाई में चालू किया जिससे कि भिलाई वालों को कुछ यूनिक आइसक्रीम टेस्ट करने को मिले और मुंबई का फालूदा टेस्ट करने को मिले, ये मेन मुद्दा है। जैसे कि नेचुरल फ्रेश है तो नेचुरल फ्रूट्स के ही आइसक्रीम मिलेंगे, कुछ अलग फ्लेवर भी मिलेगा? नहीं, नेचुरल फ्रूट्स के ही मिलेंगे आपको, इसमें केमिकल का कोई यूज़ नहीं होता। केमिकल का यूज़ नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और पाल्म ऑयल का भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम में आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि पाम ऑयल डाला जाता है, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। नेचुरल मैंने नेचुरल ही रखा गया है इसको, कुछ ज़्यादा प्रिजर्वेटिव अलग से यूज़ नहीं किया गया है। और इसमें टाइमिंग क्या है आपका शॉप का ओपन होने का? सुबह 11 बजे से रात का 12:30-1 बजे तक। मेरे 11 बजे से ओपन हो जाते हैं, रात के 11:30-1 बजे तक ओपन रहता है बोल रहे हैं। और कुछ अलग आइटम? अलग आइटम में अभी आपको संडेस बना के दे सकते हैं जिसमें आप। आज मैं संडेस ही ट्राई करूंगा आपके यहाँ का, फालूदा मैं कभी और ट्राई करूंगा क्योंकि संडेस ट्राई करना बनता है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुंबई का फालूदा है उस पर एक्सपर्टीज होगा आपका, मैं संडेस ट्राई करके देखता हूँ कि अगर उसके कंपैरिजन का टेस्ट मिलता है कि नहीं अपने को, क्योंकि रायपुर में मैं फालूदा ट्राई कर चुका हूँ, आपके यहाँ का फालूदा का टेस्ट वाकई में ही अच्छा रहता है। मुंबई की फ्रेंचाइजी बोलने से वही अपने को टेस्ट करने को मिलेगा। हफ्ते में 7 दिन लगाते हैं भैया जी, 365 दिन पूरा ओपन है। 365 दिन ओपन रहता है। जोमेटो स्विगी में भी अवेलेबल है? जोमेटो स्विगी में भी आपको मिल जाएगा। जोमेटो में आपको 1 बजे तक ओपन मिलेगा, स्विगी में 12:30 तक। स्विगी में 12:30 तक। तो नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम में आप लोगों को वेराइटीज़ ऑफ फ्लेवर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ढेर सारी वेरायटी है। बताएंगे सर क्या क्या वेरायटी है अपने पास में? फ्रूट, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स में मिल जाएंगे आपको। चॉकलेट्स में 5 फ्लेवर हैं, चोको बाइट है, चोको क्रीम है, चोको आलमंड है, चोको कुकीज़ है, और एक चॉकलेट और ड्राई फ्रूट मिक्स आता है जिसमें 3 लेयर रहते हैं। सबसे ज़्यादा चलता है? हाँ वो ज़्यादा चलता है, काजू किशमिश, केसर पिस्ता और चोको बाइट। पहले तो बताइए मेरे को इस आइसक्रीम पार्लर में हम टेस्ट करके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ऑप्शन है सर आपको टेस्ट कर, टेस्ट करके पूरा अपना जायजा लेके फिर ले सकते हैं ना। और फैमिली पैक का भी ऑप्शन है क्या? जी, फैमिली पैक का आपको आपके यहाँ का डब्बा मिलता होगा, कुछ दिखाएंगे क्या आपको? 600 ml का। अच्छा, ये ऐसे डब्बे मिलेंगे ना, सेम प्रोसेस रायपुर में भी है यही। कितने का है डब्बा ये? अभी सर 350 का है। पूरा नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स के ही हैं ये।
स्ट्रॉबेरी हो जाता है, ढेर सारी फ्रूट्स की वैरायटी अवेलेबल है आपको आइसक्रीम में ना, देख सकते हो। तो डब्बा ले जाना है तो डब्बा भी ले जा सकते हो। यहाँ की खासियत यही है, बाकी आइसक्रीम पार्लर से कंपेयर करोगे तो नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स के आइसक्रीम आपको टेस्ट करने को मिलेंगे। बाकी जगह क्या है, क्रीम और मिल्क बेस्ड करके उसको पूरा बनाया जाता है, यहाँ पे प्योर फ्रूट्स के बना रहे हैं, उसमें क्रीम डाला जा रहा है टेक्स्चर को अच्छा गाढ़ा करने के लिए। कोन क्या प्राइस पड़ेगा अपना, एक कोन लेंगे तो? कोन के साथ एक्स्ट्रा पड़ता है 10 रुपए, पर स्कूप 70 रुपीज है। स्कूप 70 रुपीज से स्टार्ट है जी। अगर स्कूप और कोन को छोड़ेंगे तो 70 रुपए से लेके अपने पास कितने रेंज तक का आइसक्रीम है? डब्बे का आएगा 350 का, आप बॉक्सेस ले सकते हैं। 70 रुपए से 350 तक आइसक्रीम गया हुआ है अपना, उसी के रेंज के अंदर अंदर मिल जाएगा अपने को आइसक्रीम टेस्ट करने को। हम लोग शेक भी बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं रहता, बस स्कूप डालते हैं और मिल्क डाल के ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उसको देते हैं। हमारा मिल्क मतलब शेक जो है ठीक मिलेगा अपने को। बहुत जगह अपने को क्या है ना, सस्ते दाम में दिया जाता है और शेक जो है पतला रहता है, यहाँ पे ठीक मिलेगा और गाढ़ा मिलेगा। बकायदा आप लोगों को टॉपिंग्स डाल के दिया जाएगा यहाँ पे। क्या प्राइस पड़ता है अपना संडे? संडे ये आपको पड़ेगा 150 रुपीज का संडे है, मतलब रीजनेबल ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है अपना आइसक्रीम, क्योंकि नेचुरल फ्रूट्स आप दे रहे हैं उसमें टॉपिंग्स डाल के भी दे रहे हैं, काजू बादाम ये सब भी जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ आएंगे लोग तो इन्जॉयमेंट भी होगा, नया नया चीज़ जानने को भी मिलेंगे लोगों को। ये अपना ब्राउनी आ गया, कुछ अलग ही मेथड है इसका करने का। कुछ चॉकलेट ही बोलेंगे कि क्या संडे बोलेंगे? चॉकलेट का ही रहेगा। और फ्रूट्स के भी बनते? फ्रूट्स के नहीं बनते सर, फ्रूट्स क्या रहता है जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा, हाँ मतलब जो संडे अपने को मिलेंगे वो ब्राउनी और चॉकलेट और उसका फ्रूट का भी मिलेगा और चॉकलेट्स के ही मिलेंगे। अभी इसमें क्या डाला जा रहा है? सिरप, चॉकलेट सिरप। फिर आ गया ब्राउनी, ब्राउनी भी अपना ताजा रहता है ना, डे टू डे वाला फ्रेश रहता है ये ब्राउनी। हाफ डलेगी ऊपर ये आप ही बनाते हैं ब्राउनी? ब्राउनी कहीं से लाते हैं? ब्राउनी मंगाया जाता है, मंगाया जाता है। हाँ जी। ऑल ओवर इंडिया कितनी ब्रांच होगी इसकी? ऑल ओवर इंडिया 150 सर। 150 ब्रांच है नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम की, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने भिलाई में अवेलेबल है तो सबसे अच्छी बात है, जो अपने को खाने को मिल रहा है मुंबई का फ्लेवर। फालूदा कुछ अलग ही हटके बनता है, लोग सबसे ज्यादा क्या ट्राई करते हैं भिलाई वाले? स्पेशल फालूदा, स्पेशल फालूदा ट्राई करते हैं कभी भी आते हैं तो। ये क्या डाल रहे हैं? गुलकंद? ये जेली है। जेली है, ये फ्रूट्स का काम कर देगा इसमें। हाँ, चेरी इसलिए नहीं डालते, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। हाँ, है तो हम लोगों ने ये फ्रूट्स के पूरे स्वीट जेली है, एकदम आपको सॉफ्टली मिलेगा, एकदम बेहतरीन। इसको खा के तो अच्छा खासा पेट भर जाएगा इंसान का। अब ये हम लोग लेंगे थोड़ा सा चोको चिप्स, और आपको नहीं लगेगा कि हम बहुत महंगा खा रहे हैं, 150 के लिए आपको बहुत सारा मिल जाएगा। वैरायटी दिख ही रहा है उसमें, क्वांटिटी भी दिख रहा है 150 रुपीस की प्राइस रेंज में इतना कुछ मिलना। देखिए आप लोग कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है इसको, जिसमें आप लोगों को ब्राउनीज भी मिल जा रहा है, आइसक्रीम भी मिल जा रहा है, एक बोल सकते हो ना सूखे और आइसी फ्लेवर का कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये टेस्ट करने में मजा ही कुछ और रहेगा। ये आपका 150 रुपीस का संडेज तैयार ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम में ये अपना कोन ना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है बताएंगे? सर ये कंपनी तरफ से एक पाउडर आती है, जिसमें हम लोग 1 लीटर पानी में इसको घोला जाता है, एकदम थोड़ा सा ठीक रहता है। अब इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, ये मशीन में डालते हैं, ये कोन मशीन इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा। और ये ऐसे इसको आराम से प्रेस, हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे, ये एक नहीं लगाया जाता, 1 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 1 मिनट के बाद आपका कोन एकदम फ्रेश रेडी रहता है। लोग आजकल कप में से ज़्यादा कोन में खाना बहुत पसंद करते हैं। क्रिस्पीनेस आना चाहिए इसके। जी जी। प्लस ये जो बैटर है वो किस चीज का बैटर है? मैदा का है सर। उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाला जाता है? शुगर रहता है। मतलब कोई भी अगर कोन ऑर्डर करता है तो फ्रेशली बनाते हैं? जी जी, फ्रेश ही रहता है, एनी टाइम पर डे बनता है, क्योंकि इसकी लाइफ रहती है 5 डेज। 5 डेज की लाइफ रहती है। और अपना आइसक्रीम भी आप साथ साथ दिन में चेंज करते रहते हो? बहुत सारे फ्लेवर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही डिमांड में रहते हैं, तो वो पर डे ही होते हैं, पर डे सेल हो जाते हैं। बाकी 2 डेज से ज्यादा कोई भी आइसक्रीम हमारे पास नहीं रहती है। मतलब डिमांड है भिलाई में नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम की, लोगों को पसंद आ रहा है, ज्यादा मीठा भी नहीं रहता ना अपना आइसक्रीम, ये सबसे खास बात है। ये अपना हो गया अभी जी, ये अपना रेडी हो गया है। अच्छा, इस कोन को शेप देने के लिए ये हम लोग का सेफ्टी के लिए ग्लव्स। और ये अपना कोन का ये रेडी हो गया है। और अच्छा, सबसे मेन है इसका फोल्डिंग। अगर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी वजह से ग्लव्स लगा आपने? हाँ जी, क्योंकि गरम गरम टच करना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये रोटी की जैसे था, वो कड़क हो जाएगा। अब ये आपका फ्रेश वफल कोन रेडी हो गया। अच्छा, इस तरीके से कोन बनाते हैं आप? हाँ, उसी को देते हैं। मतलब नेचुरल फ्रेश में सब कुछ फ्रेश मिल रहा है अपने को खाने में, क्यों सही बोला ना? जी सर बिल्कुल। जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं, एक एक करके आप बनाते जाते हैं, है ना? डिमांड इतना है सर, हम लोग को पहले से ही प्रोसेस करके पूरा पहले से भी रखना पड़ता है। अभी शाम का समय है तो डिमांड बढ़ रहा है लोगों का। वैसे भी एक पैकेट को बनाने के लिए हमको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं,
50 कोन 45 कोन बनते हैं उसमें। जोमेटो स्विगी में अपना जाता है तो कैसे जाता है उसमें? तो एक्स्ट्रा एड ऑन में आप जाएंगे, ऑप्शन रहता है उसमें एड ऑन में कोन का। हाँ जी, तो उसमें आप कोन ऑर्डर कर सकते हैं, डब्बा अलग से मंगा लो, घर में ही कोन प्रिपेयर कर लो जी। नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम का कुछ मेन्यू इस तरीके से दिखता है आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों का बोल सकता हूँ मैं 70 रुपये से जो स्कूप चालू होता है इनका, वो अपना पहुँचता है 350 तक। और भी वैरायटी इसमें अवेलेबल है, जैसे काजू का लोगे तो महंगा ही बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे फालोदा, संडेस, कॉफ़ी, ब्राउनी, शेक्स, इस सब की वैरायटी अवेलेबल है। और वाफी कोन भी मिल जाएगा आप लोगों को, 10 रुपये से एक्स्ट्रा लिया जाएगा उसका। कुछ इस तरीके से ओवरऑल मेन्यू है, आप लोग प्राइस डिटेल देख सकते हो। और प्राइस डिटेल देखने से बस नहीं होगा, आप लोगों को आके यहाँ पे टेस्ट भी करना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आप लोग ट्राई किए हो तो मेरे को कमेंट लिख के जरूर बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा नेचुरल फ्रेश आइसक्रीम का। कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा संडेस, जो कि चॉकलेट और अपना ब्राउनी का है। अच्छा खासा आप लोगों को पेट भर जाएगा, 150 रुपये इसकी प्राइस है, एक बंदे के लिए तो इनफ है भाई। इस गर्मी के मौसम में ना मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इस वैरायटी का आइसक्रीम टेस्ट करने में। चलिए इसको बाइट लेके देखते हैं कि कैसा रहता है। वैसे तो भिलाई में आइसक्रीम के कंपैरिजन में बताऊँ ना तो बहुत सारे जगह आप लोगों को आइसक्रीम ट्राई करने को मिलता है, पर यहाँ थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये नेचुरल फ्रेश है, तो नेचुरली फ्रेश आइसक्रीम आप लोगों को टेस्ट करने को मिलता है। मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ और यहाँ का स्पेशलिटी भी वही है। प्लस मुंबई की फ्रेंचाइजी होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को फालूदा का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आज के व्लॉग में मैं फालूदा तो ट्राई नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ का संडेस ट्राई करूँगा क्योंकि संडेस खाए बहुत दिन हो गया है। और आप लोगों को शिकायत भी होगा कि बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है, उसका रीज़न है, कुछ कुछ रीज़नों के कारण नहीं आ रहा है वीडियो। पर धीरे से ना इन फ्यूचर आने वाले समय में या फिर अगले ही महीने में आप लोगों को एक ऐसा ऐसा व्लॉग देखने को मिलेगा। कुछ ट्रैवल व्लॉग का भी कॉन्सेप्ट मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको देखना। पर अभी ट्राई करते हैं यहाँ का संडेस, पूरा नेचुरल फ्रूट्स के टेस्ट मिलते हैं। जैसे मैं चॉकलेट फ्लेवर ट्राई कर रहा हूँ, इसमें चॉकलेट डाला हुआ है, ब्राउनी डाला हुआ है, पूरा चॉकलेटी आइसक्रीम बोल सकते हो उसको एक तरीके से। प्लस जेली डाला गया है इन्होंने और ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स खाना तो बनता है। प्लस यहाँ का ब्राउनी ना मैं अलग से ही ट्राई कर लेता हूँ इस संडे में। ब्राउनी में भी क्वालिटी है ना, कई जगह ब्राउनी खाओगे ना गले में फंसता है, यहाँ का ब्राउनी आप लोगों को फ्लेवर भी दे रहा है चॉकलेट का और गले में फंस भी नहीं रहा है और ताज़ा है। जैसे कि इसका नाम है नेचुरल फ्रेश, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अपने को ब्राउनी भी टेस्ट करने को मिल रहा है, प्लस संडेस। और यहाँ का आइसक्रीम ना बार बार मेल्ट करके उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को फ्रेशली प्रिपेयर करके दिया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। और कोन यहाँ पे भाई 70 रुपये से चालू है, 350 तक की आइसक्रीम है। डब्बा लेना ले जाना चाहो तो डब्बा भी ले जा सकते हो, घर बैठे जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। और सिटिंग स्पेस भी इतना अच्छा खासा है कि यहाँ पर भी आके ट्राई कर सकते हो। टेस्ट के मामले में तो मेरे को परफेक्ट लगा, इस गर्मी के मौसम में मैं यहाँ भी जरूर आऊँगा टेस्ट करने को। इससे पहले मैं आप लोगों को अरुण दिखाया था, वहाँ का भी आइसक्रीम ना फुल्ली क्रीम बेस्ड रहता है। और यहाँ पे ना यहाँ वहाँ से कंपैरिजन में यहाँ का खासियत यही है कि यहाँ पे आप लोगों को नेचुरल फ्रेश बोल सकते हो फ्रूट्स के आइसक्रीम मिलते हैं, वहाँ पे फुल्ली क्रीम एंड मिल्क बेस्ड, वहाँ पे टाइटनेस मिलेगा आइसक्रीम में। यहाँ के आइसक्रीम ज़्यादा नहीं जमते क्योंकि इसमें फ्रूट डला हुआ है और क्रीम की मात्रा कम है, फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो फ्रूट जूस होने के कारण ज़्यादा जमता नहीं है ये सबसे अच्छी बात है। तो इसको ट्राई करना बनता है इस गर्मी के मौसम में आप लोगों को, और आइए ट्राई करिए। मेरे से पहले अगर आप लोग ट्राई कर चुके हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। इसी के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।